नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रिकेट नेक्स्ट में। आईपीएल 2024 का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। टूर्नामेंट का पहला मैच 22 मार्च से खेला जाएगा, जहां चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच मुकाबला होगा। टीमों ने इस टूर्नामेंट की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। इसी बीच लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक बड़ा ऐलान किया है। लखनऊ की टीम इस बारी काफी तैयारियों के साथ मैदान पर उतरने के लिए तैयार है। अब उन्होंने एक और दिग्गज खिलाड़ी को अपने स्पोर्ट्स स्टाफ का हिस्सा बना लिया है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल के अपकमिंग सीजन के लिए लैंस क्लूजनर को असिस्टेंट कोच के रूप में लाया गया है। क्लूजनर बैकरूम स्टाफ में शामिल हो गए हैं, जिनका नेतृत्व हेड कोच जस्टिन लैंगर करेंगे। साउथ अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर एलएसजी की एसए टी20 टीम डरबन सुपर जायंट्स के हेड कोच भी रह चुके हैं, जिन्होंने हाल में ही समाप्त हुए सीजन के फाइनल में जगह बनाई थी। उनके अंडर टीम ने काफी शानदार प्रदर्शन किया था। यही कारण है कि उन्हें साउथ अफ्रीका लीग के बाद भारतीय टीम में भी, भारतीय टीम की जो आईपीएल की लीग है उसमें भी मौका दिया गया है। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम इंडियन प्रीमियर लीग में साल 2022 में जुड़ी थी। दोनों साल टीम ने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन अभी तक टाइटल नहीं जीत सकी है। दोनों ही बार टीम एलिमिनेटर से बाहर हो गई थी। अपने समय के दिग्गज रहे 52 साल के लैंस क्लूजनर ने दुनिया भर में कई टीमों को कोचिंग दी है, जिसमें दिल्ली और त्रिपुरा की घरेलू टीमों के कंसल्टेंट कोच के तौर पर काम करना भी शामिल है। वह दिल्ली कैपिटल से जुड़े रहने के अलावा मुंबई इंडियंस के बैटिंग कोच भी रह चुके हैं। गुयाना अमेजन वॉरियर्स ने पिछले साल उनके कोच रहते कैरेबियन प्रीमियर लीग में अपना पहला खिताब जीता था। अगर इंटरनेशनल स्तर की बात करें तो क्लूजनर साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बैटिंग कोच रहने के अलावा अफगानिस्तान के हेड कोच भी रह चुके हैं। उन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में राजशाही किंग्स के साथ साथ तमिलनाडु प्रीमियर में लाइका कोवई किंग्स के साथ कोचिंग कार्यक्रम भी किया है। क्लूजनर ने 1996 से 2004 के बीच साउथ अफ्रीका के लिए 49 टेस्ट मैच और 171 वनडे मैच भी खेले हैं। और लखनऊ की टीम आईपीएल 2024 में अपना कैंपेन 24 मार्च को जयपुर में 2008 की चैंपियंस राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ शुरू करेगी। वही टीम अभी तक के शेड्यूल के हिसाब से अगर देखा जाए तो लखनऊ की टीम अपने घर पर दो मैच खेलेगी। पहला मैच 30 मार्च को पंजाब किंग्स से और दूसरा मैच 7 अप्रैल को गुजरात टाइटंस से होगा। वहीं पर हम सभी आशा करते हैं कि इस बार जो एलएसजी की टीम है वो हमें जो कि टाइटल है जो पिछले दो साल से नहीं जीत पाई है, इस बार जो कि है नए कोच और ऐड हो गए हैं उनकी पूरी स्क्वाड में, तो हम होप करते हैं कि इस बार ही अच्छा प्रदर्शन करे एलएसजी की टीम और इस बार जो 2024 का आईपीएल शुरू होने जा रहा है उसमें अपना अच्छा योगदान दे और सभी खिलाड़ी अच्छे से खेलें और इस बार टाइटल जीतने में कामयाब रहे। अभी तक के लिए इस न्यूज़ में इतना ही। अगर आपको हमारी ये न्यूज़ पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।